अब करेंगे हम सूत्र नेति दोस्तों। ये सूत्र हैं, धागा बोलते हैं। नेति में छह टाइप की नेति बताई गई हैं, जल नेति, सूत्र नेति, घृत नेति, दुग्ध नेति और कपाल नेति। ये मुख्य हैं, बाकी कुछ अलग अलग अपनी विद्याएं भी निकाल ली हैं लोगों ने, तो उसमें हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन हमें सबसे पहले सूत्र नेति में क्या करना है और किसके लिए फ़ायदेमंद है ये भी बताई दूं। सूत्र नेति उनको करनी चाहिए जिसको नाक में ब्लॉकेज रहती है, रातों खराटे रहते हैं, खराटे आते हैं, जिनको साइनस की दिक्कत है, इन सब लोगों को सूत्र नेति करनी चाहिए। साधकों को इसलिए करनी चाहिए क्योंकि आँख, नाक, कान, जीवा और त्वचा, आँख, नाक, कान, जीवा और त्वचा, इन सभी ज्ञानेंद्रियों का जो आधार है, देर इज कैविटी जहाँ पे इन सभी ज्ञानेंद्रियों की नाड़ियाँ मिली हुई हैं, वहाँ पर जाकर कफ जम जाता है और वो कफ तोड़ने में जल नेति और सूत्र नेति का बहुत बड़ा रोल होता है। वो क्लियर होने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं। जिसको ये नेति जितनी भी हैं, ये किस किस को फ़ायदा देगी? सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगी जिनको माइग्रेन प्रॉब्लम है, जिनको नींद की प्रॉब्लम है, जिसको खराटे आते हैं, उनको सबको बेनिफिट देने वाली है ये। इसलिए नेति का अपना, और साधकों के लिए जो खेचरी साधना करना चाहते हैं, खेचरी मुद्रा लगाना चाहते हैं, उसके लिए भी ये बहुत ही उपयोगी है। इसमें करना क्या है दोस्तों, आपने सूत्र को पकड़ना है और ये देखना है कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। जौन सा आपका स्वर तेज चल रहा है, उसी स्वर में सबसे पहले थोड़ा सा आगे से हुक टाइप में बना लेना है, क्योंकि नोजल कैविटी जो है हमारे आगे के भाग में है, ऊपर की तरफ नहीं है, आगे की तरफ है। थोड़ा सा मोड़ लेंगे तो जैसे ही हम नाक में डालेंगे, इसी दाब हमारे नोजल कैविटी में चला जाएगा। तो अब हम करेंगे सूत्र नेति, देख लीजिए। एकदम कफ निकलना शुरू हो जाता है दोस्तों। अब हमें दूसरी नेति डालनी है, दूसरे नाक से कफ जितना निकल जाए उतना अच्छा है। ये जितना लेमिनेशन हो जाती है उतना हमारे ज्ञानेंद्रियों में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी होती है, ब्रेन में ऑक्सीजन की मात्रा कम जाने की वजह से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे रोग होते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि किसी अभ्यासी के सानिध्य में ही बैठ के आप अगर सीखें तो फायदे का है। इट इज़ गुड टू लर्न, यू कैन क्योर ऑल द डिजीज फ्रॉम द सूत्र नेति एंड जल नेति विद लाइक माइग्रेन, इंसोम्निया एंड स्नोजिंग काइंड ऑफ डिजीज, एंड यू कैन बी अ स्ट्रेस फ्री लाइफ विद द नेति ओनली। ये हमारी दूसरी क्रिया हो गई, तीसरी क्रिया, हाँ सॉरी,